बॉम्बे आता है काम करने के लिए, पैर में चप्पल नहीं है और इधर आके काम सीखता है। 25 साल काम करने के बाद एक कंपनी का मैनेजर बनता है और उसके बाद अपनी जर्नी जो स्टार्ट करता है एज अ एंटरप्रेनर, एक कंपनी को एज अ पार्टनर अटैच होता है। तो ये लड़का कोई और नहीं, मेरे डैड हैं जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और इधर आए और इस स्टेट ने काफ़ी सपोर्ट किया इसको, इस पूरे हमारे जर्नी को। तो 1980 में मेरे डैड ने ये जर्नी स्टार्ट की थी एज एंटरप्रेनर। 80 से 87 तक मेरे डैड एक पार्टनर के हिसाब से काम करते थे, वो क्योंकि उस टाइम में एग्रीमेंट होते नहीं थे, जो वर्बली बोला गया था वो ठीक से रिजल्ट उसका हुआ नहीं, तो मेरे डैड ने वो छोड़ के 1987 में हम लोग चाल में रहते थे, तो चाल के बाहर एक छोटा सा शॉप 200 स्क्वायर फीट में पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था। 87 से 91 तक ये पार्टनरशिप में हमारा यूनिट चला। 91 में हमने चिकली में एक छोटा सा प्लांट लिया 1000 स्क्वायर फीट का, वहाँ हमारा ये टूल एंड डाई मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद 93 से 96 मैंने डिप्लोमा किया, 96 से 99 मैंने इंजीनियरिंग किया। इस 80 से 1999 तक लगभग 19 साल में हमारे कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 30 लाख रुपया था। तो इस समय और ये करने के लिए ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी एंटरप्रेनर का, जो स्टार्टिंग के फेज होते हैं पहले कुछ साल। तो इसमें आप लोगों का पेशेंस ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आपको लगेगा कि जॉब ही ठीक था, क्यों मैंने इसमें आके ये गलती की, तो ये क्वेश्चन बार बार आएगा आपको। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपने ध्यान रखना है कि आपका पेशेंस आपको पूरा पूरा इतना बड़ा रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को ही हारना है, हम नहीं हारेंगे। तो ये पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और साथ में कंसिस्टेंटली जो भी कर रहे हैं हम लोग डेली, डे इन डे आउट, जिस पर्पस के लिए आपने यूनिट स्टार्ट किया है वो हम काम करें तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ये इसके बाद जो दूसरा मेरा सिद्धांत है कि क्लैरिटी इज पावर। तो ये काफ़ी, मतलब जैसे मेरे इंजीनियरिंग खत्म हुआ और मैं तो एज स्टैंडर्ड से कंपनी में काम कर रहा था, तो काफ़ी अर्ली एज में मैं लकी था कि मुझे एक काफ़ी क्लियर आउटलुक था कि अगले कुछ सालों में मेरी कंपनी को मुझे कहाँ लेके जाना है। तो मैं हर यहाँ बैठे हुए उद्योजक को ये बोलूँगा कि आपका एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ये गोल आप डिसाइड करो। मेरे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल था 15 साल, मीडियम टर्म था 10 साल और शॉर्ट टर्म था 5 साल। ये आपके लिए अलग अलग हो सकता है, आप आपका टर्म डिसाइड करो और एक कोई गोल सेट करो, जो मैंने किया। और उसके फायदे इतने हैं कि जैसे कोई भी आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको आपके गोल और क्लैरिटी है आपको कहाँ जाना है, तो आपके डिसीजन मेकिंग काफ़ी ईजी होगा। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके सारे डिसीजन सही होंगे, हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें से कुछ डिसीजन गलत होंगे ही होंगे, और इससे हमने डिसीजन लेने से कभी कतराना भी नहीं है। तो आपके डिसीजन काफ़ी, मतलब 60 से 70% एटलीस्ट सही होंगे अगर आपके पास क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आप इसको फॉलो करेंगे तो भी सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मेरा तीसरा जो सिद्धांत है कि बिल्ड इकोसिस्टम अराउंड योर प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे थे 99 से 2005-2010 तक, हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उसके आगे पीछे काफ़ी छोटे छोटे और प्रोडक्ट्स ऐड किए और कुछ सर्विसेज ऐड किए, और इसको एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे कस्टमर के लिए हमने प्रेजेंट किया। तो इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो हम हमारे कस्टमर को काफ़ी बेटर तरीके से सर्विस दे पाते हैं, और दूसरा आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपका एक अलग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन जाता है। और कोई भी कस्टमर अगर आपको चाहे कि कम काम करे आपका, या फिर आपको आपसे काम करना बंद करना चाहे, तो उसके लिए भी वो डिफिकल्ट होता है जब आप पूरा एक सॉल्यूशन बास्केट कस्टमर को देते हो। तो ये मेरा तीसरा सिद्धांत था। तो 2010 तक काफ़ी अच्छा चला हमारा बिजनेस, हम लोग इंडिया में एक अच्छा टूल रूम के नाम पे, कैश शॉप के नाम पे जाने लगे। राइट
फ्रॉम मारुति टू नीचे अशोक लेलैंड ऑलमोस्ट सभी हमारे कस्टमर बन चुके थे। हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट डाइस बना रहे थे, काफी कुछ टेक्नोलॉजी के डाइस बना रहे थे। इसमें हमने फिर जैसे मैंने बोला कि इकोसिस्टम बनाना है तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, तो नेक्स्ट क्या था कि प्रेस शॉप, और प्रेस शॉप बनाना है तो 3 स्टेट में प्रेस शॉप बनाने का प्लान किया 2010 में, उसमें से 2 बनाया अभी। और इसमें मेरा चौथा सिद्धांत है कि एक्सपेंशन इज गुड बट ओवर एक्सपेंशन इज बैड एंड समटाइम कैन किल। ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ये प्रेस शॉप के बिजनेस में जब एंटर किया तो एक साथ 16 प्रेसेस लिए जो 500 टन के ऊपर के थे, एक बड़ी कैपेसिटी, जबकि मेरे पास एक स्ट्रोक का भी काम नहीं था। तो ये जब मैंने किया तो इसके चलते जो मुझे कैश फ्लो का क्रंच आया 2013 से 2016, हर रोज बैंक में जाके बैठना कि आज मेरा चेक पास कर दो। सुबह मेरा वही काम होता था कि पहले जाना बैंक मैनेजर से बात करना, आज मेरा चेक पास कराना, फिर मैं कंपनी जाता था। तो काफी स्ट्रेस, काफी दिक्कत थी। तो ये जो एक्सपेंशन ये होता रहना चाहिए, लेकिन ओवर एक्सपेंशन से आप लोग बचें क्योंकि उससे आपको कैश फ्लो क्रंच हो सकता है। एक्सपेंशन और ओवर एक्सपेंशन का जो डिफरेंस है, एक्सपेंशन वो है जो आप आपका जो करंट प्रॉफिट है उससे आप आपका लोन हो या आपका जो भी एक्सपेंशन है उसको सपोर्ट कर सकें, और ओवर एक्सपेंशन वो चीज है जो हम हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर, जो हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके प्रॉफिट के हिसाब से हम बोलते हैं कि हम लोग इसको सर्विस कर पाएंगे, इसको सपोर्ट कर पाएंगे, तो उस केस में थोड़ा काफी रिस्क बढ़ जाता है। तो वो मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलती ना करें। एक्सपेंड करना जरूरी है 100%, वो करते ही रहना चाहिए, लेकिन ओवर एक्सपेंशन से थोड़ा बचें। और मेरा ये लास्ट सिद्धांत एक है कि ओनली एक्शन कैन चेंज द लाइफ, मतलब लाइफ बोलो, कंपनी बोलो, एनीथिंग, तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये 2016 हो गया तब तक हमने लोन काफी कुछ फेड़ दिया था, और फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। अभी ऑलरेडी अपने 3 प्लांट है 4 प्लांट है जिससे काफी कुछ चल रहा है, अच्छे से सब कुछ सेट है, तो ये सब मतलब इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को वापस से मेरे ड्रीम्स को रिवाइव किया, ट्रेनिंग लिया, और ये एक फैक्ट है कि अगर हम लोग, मैंने सोचा कि हम मेंटेन करेंगे बिजनेस, तो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो आगे जा रही है, हम वहीं अगर रुक गए तो फिर इससे कोई आप मतलब ग्रो नहीं हो गए, और एक दिन आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बंद करने के कतार में आ जाएगा। तो इसलिए ग्रो होना तो जरूरी है ही है। तो उसके चलते अभी हमने काफी ऐसा एक्शन लेने शुरू कर दिए जो हमारी कंपनी को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाने वाला है। हमारी मीडियम टर्म, हमारा जो गोल है अभी 2015 से पहले हम एक 500 करोड़ की कंपनी बन के एक IPO का प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एक लिस्टेड कंपनी बनेंगे। तो ये कुछ मेरी लाइफ की जर्नी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये प्रोग्राम से और संघ से थोड़ा अलग है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर आया हूँ इधर तो मैं चाहता था कि मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँ आपके थॉट प्रोसेस में। और इसी के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करूंगा। एक ही चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अभी ये 5 जो मैंने सिद्धांत बोले इसका मैं एक बार ऊपर से समरी कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको याद रखें, और कहानी के माध्यम से इसलिए बोला ताकि ये फिर याद रह जाता है। तो पेशेंस आपको सबसे ज्यादा चाहिए सबसे पहले, तो सब लोग मेरे साथ अगर बोलेंगे 5 सिद्धांत तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अनलिमिटेड पेशेंस, अनलिमिटेड पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी, उसके बाद क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर, उसके बाद है बिल्ड इकोसिस्टम, बिल्ड इकोसिस्टम अराउंड योर प्रोडक्ट्स, अराउंड योर प्रोडक्ट्स, और बाद में एक्सपेंशन इज गुड बट ओवर एक्सपेंशन कैन किल, एक्सपेंशन इज गुड बट ओवर एक्सपेंशन कैन किल, एंड एक्शन इज एवरीथिंग, एंड एक्शन इज एवरीथिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, यहां जितने भी लोग आए हैं, मेरे दिल से ये तमन्ना होगी कि 2030 तक इसमें से कुछ कंपनियां या सब कंपनियां लिस्टेड हो, और अपनी अंतरात्मा
से आप एक कदम उठा लो और अपना अंतरात्मा इसके लिए जगा लो कि हम 100% सक्सेसफुल होंगे और हमारा ये भी एक आईपीओ आएगा। आप आज कहाँ हो इससे कोई मतलब नहीं है। आज आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2030 तक आप आपकी एक लिस्टेड कंपनी बना सकते हो, इसका भरोसा मुझे है और आप लोग को भी होना चाहिए। थैंक यू।